कृषि कानूनों को लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, इस वक्त उनको सुन लेते हैं। अग्रणी अवस्था में आए और खेती का देश के जीडीपी में योगदान बढ़े, किसान समृद्ध हो और देश का नौजवान भी खेती के प्रति आकर्षित हो, इस दिशा में लगातार अध्ययन मनन और विचार करते रहते हैं। समय समय पर भिन्न भिन्न माध्यमों से ये रिकमेंडेशन सरकार के पास आती है और सरकार अपनी सीमा में रहकर आर्थिक सीमा को दृष्टिगत रखते हुए उन पर विचार भी करती है, निर्णय भी करती है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न भी करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोहन कांडा जी और त्रिपाठी जी, ये अपनी पूरी सेवा काल को समाप्त करने के बाद भी लगातार देश के बारे में, कृषि के बारे में, किसान के बारे में जो चिंता कर रहे हैं उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनके प्रति भारत सरकार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उनके सुझाव हमेशा कृषि मंत्रालय में स्वागत के योग्य रहेंगे, ऐसा विश्वास उनको देता हूं। सभी विद्वानों के मतानुसार भी ये कृषि सुधार कानून लाए गए हैं और इन सुधार कानूनों को लाने से पहले कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान, कृषि यूनियन में काम करने वाले नेतागण और राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण और अनेक आयोग लगातार इस दिशा में संगठनों से बात करके यह कोशिश करते रहे कि एक ना एक दिन कृषि के क्षेत्र में भी रिफॉर्म होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र भी खुलने चाहिए, कृषि के क्षेत्र पर लगी हुई बंदिशें समाप्त होनी चाहिए और कृषि समृद्धता की ओर मुक्त बाजार के माध्यम से बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि उन सब की रिकमेंडेशन का सम्मान शब्दों में तो पहले भी होता रहा है लेकिन उन शब्दों को कानून में बांधना, कानून को पारित कराना, इसमें कठिनाइयां लगातार लोगों को आती रही होंगी और इसलिए मैं समझता हूँ ये रिफॉर्म पिछले दिनों नहीं हो पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी के दृढ़ संकल्प को कि उन्होंने सिर्फ कृषि को और कृषकों के हित को सामने रखकर इन कानूनों को मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने इन कानूनों को पारित करके अपनी स्वीकृति प्रदान की। मैं मंत्रालय की ओर से उनका भी हृदय से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज देश में दो परिस्थितियाँ हैं, देश का अधिकांश भाग कानूनों का समर्थन कर रहा है, पत्रकार मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो रोज आंदोलनकारी किसानों को भी देखते हैं और कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों को भी देखते हैं और दोनों को तुलनात्मक रूप से अपने कार्यक्रम में अवसर देते हैं। आज भी विनोद जी के माध्यम से सभी किसान चिंतकों की एक टोली यहाँ आई है और उन्होंने अपने विचार नए कानूनों के समर्थन में व्यक्त किए हैं, उनका स्वागत किया है, उनका समर्थन किया है और इस पूरी टीम के माध्यम से देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए। आज किसान दिवस के अवसर पर वे हस्ताक्षर कानून के समर्थन में यहाँ पर सौंपने के लिए आए हैं। मैं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके चिंतन की संरक्षा सरकार जरूर करेगी।
आज इस अवसर पर त्रिपाठी जी, मोहन कांडा जी ने अपने विचार व्यक्त किए, वो इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं मंत्रालय की ओर से उनका भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में चाहे वो 10,000 नए FPO बनाने का मामला हो, जिस पर 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से व्यय करने का मामला हो, और चाहे 1,00,000 करोड़ रुपया कृषि अवसंरचना फंड के लिए उपलब्ध कराने का विषय हो, और संबंधित क्षेत्र फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, ऐसे जो कृषि के क्षेत्र में गैप बचे हुए हैं और जो निजी निवेश का अभाव कृषि का क्षेत्र इतने दिनों तक भोगता रहा और घाटे की खेती करता रहा। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि सबसे राय मशवरा करने के बाद किसानों के फायदे के लिए कानून लाया गया है, और उन किसान नेताओं का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन अब भी जारी है और अभी एक बैठक चल रही है जिसके नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट रहे हैं।